जय हिंद, आप देख रहे हैं मित्र पे टीवी। मैं आरंज सवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एक बड़ी बेहद शर्मनाक तस्वीरों के साथ उपस्थित हूं। खबर आ रही मध्य प्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत हनुमानगढ़ थाना से, जहां पर ग्राम पिपराही से एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर वीडियो है बेहद शर्मनाक कृत्य जैसा एक दृश्य देखने को मिला है। और जिस वीडियो के बाद में लगातार प्रशासन पर कहीं न कहीं से एक सवाल खड़े हुए, और सवाल खड़े होने के बाद में एक बेहद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो आप तस्वीरें आप बगल में देख रहे हैं, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर आप देखेंगे सीधा सीधा ये युवक के साथ में बेहद शर्मनाक कृत्यों के साथ में पिटाई की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हाथ बांधा गया है, और हाथ बांधने के बाद में उसे नंगा करके और बेहद बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है। जो कि बताया जा रहा है कि जो मारने वाला व्यक्ति है पिपराही गाँव का सरपंच पति है। यहाँ पर हनुमान थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के साथ में दो व्यक्ति और थे, लगभग तीन लोग को गिरफ्तार करके और आईटी धाराओं के साथ में और कई धाराओं समेत न्यायालय रीवा पेश किया गया, जिसके बाद वहां से जेल भेज दिया गया है। हालांकि ये तस्वीरें वायरल जो हो रही है, या तस्वीर जो बताई जा रही है, 2 साल पुरानी तस्वीरें हैं, और कहीं न कहीं से रीवा प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती का जो समय है, ये कहीं न कहीं से देखने को मिल रहा है। अनेकों वीडियो वायरल हो रही है, और अनेकों वीडियो के साथ में कई तस्वीरें ऐसी हैं जो बेहद शर्मनाक जैसी तस्वीरें अभी तक देखने को मिली है, जहां पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन यहां पर क्या इस तरह से कोई दृश्य देखने को मिल सकता है, ये तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा। लेकिन हालांकि जिस तरीके से ये फरियादी है, फरियादी को जो पीड़ित युवक जो पिटाई खा रहा है, उसको धमकाया भी गया था अगर तुम किसी भी तरह से किसी को बताओगे तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। हालांकि किसी कदर उसने हिम्मत करके पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद यह वीडियो वायरल भी हुई, और इसके बाद अलग अलग तथ्य प्रशासन पर कहीं कहीं से सवाल के रूप में देखने को मिलने लगे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की वही सरकार है जहां पर बुलडोजर जैसी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन क्या ये जो सरपंच पति है इस पर भी कहीं कहीं से बुलडोजर से कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो कहीं कहीं से एक बड़ा सवाल जो होता है आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में कई जो तस्वीरें वायरल हुई है उस पर कार्रवाई देखने को मिली ही है, लेकिन इस पर भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इस तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।